गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें रोज़ की तरह, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता ही है, बस उसी अकॉर्डिंग आप अटेंडेंस बनाइए और फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको तो पता ही है कि हमने आपको कल क्या दिया था होमवर्क में, कि कुछ वर्ड दिए थे आपको, कहा गया था उसका मीनिंग लिखने के लिए। तो आप सभी बच्चे उस चीज़ को बनाए होंगे, है ना, उसका वर्ड का मीनिंग लिखे होंगे, अर्थ लिखे होंगे और उसे रिमेम्बर भी किए होंगे। ये आपका होमवर्क था। तो मैंने कहा था कि जो वर्ड मैंने दिया है उस वर्ड का आप मीनिंग लिखिएगा, मैं यहाँ बोर्ड पर वर्ड मीनिंग लिख दूँगी, जो जो शब्द मैंने दिया उस शब्द का अर्थ लिख दूँगी, और आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में मैच कर लीजिएगा। और मैच करने के बाद वो, है ना, सही या गलत का पहचान हो जाएगा कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा, है ना। आपने सही अर्थ लिखा भी होगा लेकिन मात्रा में कन्फ्यूज़न होगा, तो वो चीज़ आप चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग भी मात्रा भी, है ना। और दूसरी बात ये कि रिमेंबर करना था, याद करना था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे याद किए होंगे। ज़्यादा वर्ड तो था नहीं, 10 ही वर्ड था, और वो बहुत ही ईजी था। वो सारे वर्ड आप बोलने में यूज़ करती ही हैं, है ना, बोलने में शामिल करते हैं, जानते भी हैं, बस उसे याद करना था। और याद करने के बाद आपका, मैंने बताया था कि जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं आपके स्टडी में, जो भी आपको हेल्प करते हैं, आपको उन्हें सुनाना था, है ना, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो उन्हीं से पूछते हैं घर पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें, है ना, तो वो आपको गाइड करते हैं। जो भी आपके फैमिली मेंबर, जो भी आपको स्टडी में हेल्प करते हैं, तो आप लिखने के बाद या याद करने के बाद उन्हें सुनाया कीजिए, दिखाया कीजिए। लिखने के बाद राइटिंग दिखाइए, स्पेलिंग दिखाइए कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा, और याद करने के बाद उन्हें सुनाया कि जी स्पेलिंग के साथ, है ना, या जो भी रहता आंसर क्वेश्चन, ताकि आपको मालूम हो जाए कि आपने सही से याद किया कि नहीं किया। ठीक है, ये होता है एक चेक करने का तरीका। तो ये काम तो आप सभी बच्चे किए होंगे। तो पहले मैं कल वाला होमवर्क को यहाँ पे करा देती हूँ, आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में मैच कर लीजिए। ठीक है, नोटबुक सभी बच्चे ओपन कर लीजिए। ये था हेडिंग राइट देयर हिंदी मीनिंग, है ना, यही था ना हम आपका हेडिंग, हमने कल यही दिया था, राइट द हिंदी मीनिंग, मतलब शब्द दिए थे और उसका आपको मीनिंग लिखना था। तो शब्द कौन सा था, स्पेशल, SPECIAL, स्पेशल, है ना। पहले हम वर्ड लिख लेते हैं, उसके बाद था शेयर, उसके बाद था केयर, उसके बाद फेरी लैंड, उसके बाद हार्ट, रिस्पेक्ट, उसके बाद वर्क, है ना। पहले हम इतना देख लेते हैं, इसका मीनिंग देख लेते हैं। स्पेशल का मीनिंग क्या होता है, SPECIAL, स्पेशल, स्पेशल मीन्स खास या विशेष, है ना, खास या विशेष, ये होता है। शेयर मीन्स बांटना, है ना, बांटना। आप बोले होंगे इसमें ख के नीचे बिंदु है, तो ये ख बोलते हैं, खास बोलते हैं। बिंदु देखिए उसको थोड़ा, है ना, हलक से अपने थ्रोट से बुलाया जाता है, तो वो खास हो जाता है, खास या विशेष। शेयर मीन्स बांटना, केयर मीन्स देखभाल करना, है ना, देखभाल करना। फेरी लैंड मीन्स बड़ी डोब, हार्ड मीन्स कठिन या मुश्किल से, रिस्पेक्ट मीन्स इज्जत करना, आदर करना, इज्जत करना, आदर करना। वर्क मीन्स काम या कार्य, है ना, ये होता है। स्पेशल मीन्स खास या विशेष, शेयर मीन्स बांटना, केयर मीन्स देखभाल करना, फेरी लैंड मीन्स पड़ी लो, हार्ड मीन्स कठिन या मुश्किल से, रिस्पेक्ट मीन्स इज्जत करना या आदर करना, सम्मान करना, वर्क मीन्स
काम या कार्य, ये 7 वर्ड है, हमने 10 वर्ड दिया था, 3 वर्ड और है, हम उसे लिखा देते हैं, आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ, स्पेशल मीन्स खास या विशेष, शेयर मीन्स बांटना, केयर मीन्स देखभाल करना, फेरी लैंड मीन्स पड़ी लोग, हार्ड मीन्स कठिन या मुश्किल, रिस्पेक्ट मीन्स इज्जत करना, एंड वर्क मीन्स काम या कार्य। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, हमारा कितना वर्ड था, 10 वर्ड था। मैंने कल आपको 10 शब्द दिए थे, 10 वर्ड दिया था, 10 वर्ड, और मैंने कहा था कि उसका मीनिंग लिखिएगा, तो आप लिखनी है उसे, बस मैच करना है आपको। क्लीन, 9 में फ्री, 10 हेयर, है ना। क्लीन मीन्स साफ या सफाई, सफाई करना, सफाई भी होता है ना, साफ होना। फ्री मीन्स खाली या आजाद, आजाद है ना, खाली या आजाद मतलब फ्री बैठे हैं, तो खाली बैठे हैं मतलब कोई काम नहीं है, बिना काम के बैठे हुए हैं ना, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो खाली है, खाली समय में हम कुछ भी कर सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। आज़ाद भी होता है, आज़ाद मतलब किसी चीज़ को अगर हम कैद किए रहते हैं या किसी चीज़ को जबरन हम कुछ रखे रहते हैं तो उसको फ्री छोड़ देते हैं, है ना, आज़ाद कर देते हैं, है ना, तो उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग उसको छोड़ देते हैं। हेल्प मीन्स मदद करना, है ना। तो ये हमारा 10 वर्ड था जो कि हमने मीनिंग लिख दिया, और आप सभी बच्चे मीनिंग कल लिखे होंगे, रिमेंबर भी किए होंगे, और आप सभी बच्चे उसे याद कर लीजिएगा, ओके, याद किए होंगे फिर से याद कर लीजिएगा। तो ये तो हमारा 1 से लेकर 7 तक मैंने पहले किया। 8 नंबर में है क्लीन, क्लीन मीन साफ या सफाई करना। फ्री मीन्स आज़ाद या खाली या आज़ाद। हेल्प मीन्स मदद करना। ये हमारा आज का 10 वर्ड, मतलब कल का जो 10 वर्ड था, मैंने जो होमवर्क दिया था, और इस तरीके से जब बोर्ड पे मैंने मीनिंग लिख दिया, आप सभी बच्चे मैच कर लिए कि आपने सही लिखा कि नहीं लिखा, आपने सही लिखा होगा, है ना, लेकिन कभी कभी मात्रा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मात्रा भी चेक कर लीजिएगा कि आपने हर्ष ईकार, दीर्घ ईकार, ना हर्ष उकार, दीर्घ उकार जो भी यूज़ किया गया है वो सही है या नहीं है, तो आप मात्रा भी देख लीजिएगा, ओके, मात्रा से भी। और मैच करने का एक फ़ायदा ये होता है कि बच्चे का खुद का जो क्रिएटिविटी माइंड है ना, शार्प होता है, उनको नज़र होता है कि अपने नोटबुक पे, बुक पे, उनको इस बात का पता चलता है कि उन्होंने सही लिखा या नहीं लिखा, वर्ड्स को मैच किया है ना, मैच करने के बाद उन्हें सही गलत का पता हो जाता है, लिखने का तरीका भी मालूम हो जाता है, और उनके खुद भी ध्यान में रहता है कि हम जो याद किए वो सही है या नहीं, या जो हम जानते हैं वो सही है या नहीं, तो इस तरीके से चेक करने में ये सारी बेनिफिट्स होते हैं, ओके, आप खुद से अगर मैच कीजिएगा तो। अब मैं इसे वाइप करती हूँ, और आज का जो मैं हम लोगों का है वो आज का स्टडी देते हैं। ये तो कल का हम लोग होमवर्क था जो कि हम चेक करने का एक तरीका था, कि चेक करने का एक तरीका ये भी है कि उसे मैच किया जाए, तो अभी तो मैं चेक नहीं कर सकती हूँ आपकी नोटबुक में, है ना, तो हम लोग इसी तरीके से मैच कर लेते हैं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे और न्यू पेज से लिखेंगे, आपके पेज में भले कल वाले पेज में जिसमें वर्ड मीनिंग लिखा है तो उसमें भले स्पेस है उसे छोड़ दीजिएगा, उसमें मत लिखिएगा, नया पेज से लिखिएगा, ओके, डेट डालिएगा, डेट डालने के बाद हेडिंग लिखिएगा, फाइंड आउट एनिमल्स नेम, एनिमल्स नेम इन दिस ग्रीड एंड राइट। बोला है फाइंड आउट एनिमल्स नेम इन दिस ग्रीड एंड राइट, बोला है ग्रीड बना हुआ होगा, जाल बनाएंगे अभी हम, ग्रीड बनाएंगे, उस ग्रीड में से आपको एनिमल्स नेम को फाइंड आउट करना है, उसके बाद लिखना है। तो पहले हम चलिए बनाते हैं ग्रीड,
आप देख रहे हैं ना कि मैं इसमें लेटर्स को फिल कर रही हूँ, है ना, मतलब लेटर लिखा हुआ है, इस लेटर से हमें क्या बनाना है, तो हमें एनिमल्स नेम फाइंड आउट करने हैं। पहले हम लेटर लिख देंगे, आप सभी बच्चे इसी तरीके से बॉक्स बना के लेटर को लिखिएगा। ये हमारा, मैं बताती हूँ कि कितना बॉक्स है ना अक्रॉस में है और कितनी बॉक्स अपसाइड डाउन में है। आप देखिए यहाँ पे मैं नंबरिंग डाली, आप नंबरिंग नहीं डालिएगा बताने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपसाइड डाउन में 8 बॉक्स है। उसी तरीके से यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, अक्रॉस में भी 8 है, इधर भी 8, इधर भी 8। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्स बनाइएगा, पूरा इस तरीके से बनाइएगा, ऊपर से नीचे में भी 8 बॉक्स और इधर से इधर में भी 8 बॉक्स बनाइएगा। 8 बॉक्स बना के जैसे मैंने जो भी लेटर लिखा आप उस लेटर को लिख लीजिए, है ना, जैसे एस एच एम टी आई डी ई आर इस तरीके से सब लिख लीजिएगा, जो लेटर जहाँ पर लिखा वहाँ पे आप लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड आउट एनिमल्स नेम, एनिमल्स नेम को फाइंड आउट करना है, खोजना है इस ग्रिड में, इन दिस ग्रिड एंड राइट, उसके बाद लिखना है। तो लिखेंगे हम कहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके। हम देखेंगे कि हमने कितना कितने एनिमल्स नेम फाइंड आउट किए, है ना, तो हम देख लेंगे कि हमने कितने एनिमल्स नेम फाइंड आउट किए। अब सबसे पहले हम देखते हैं अक्रॉस में, यानी कि लाइन बाय लाइन, एस एच एम टी आई जी ई आर, तो क्या हो गया, टी आई जी ई आर टाइगर है, तो हम टाइगर को ऐसे सर्कल कर देंगे, है ना, उसके बाद हम यहाँ टाइगर लिख देंगे, टी आई जी ई आर टाइगर। उसके बाद क्या है, सेकंड लाइन में देखेंगे अक्रॉस में, देखिए तो सी ओ डब्ल्यू, अरे सी ओ डब्ल्यू क्या हो गया, काउ, काउ मीन्स गाय, तो ये भी क्या है, एनिमल नेम है। उसके बाद यहाँ यू वी एक्स क्यू ए कुछ नहीं है, यहाँ देखिए एफ आर ओ जी, अरे ये तो फ्रॉग हो गया, फ्रॉग मीन्स मेढक, यहाँ पे है एन जेड टी वी कुछ नहीं है, फ्रॉग हमने ढूंढा, हमने यहाँ पे फ्रॉग लिख दिया, एफ आर ओ जी, है ना, पहले तो पहले ढूंढ लेंगे, ढूंढने के बाद ही लिखेंगे, तो पहले हम ढूंढ लेते हैं फिर लिखते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ फोर्थ लाइन में देखेंगे आई एस ए डी ओ जी, तो क्या हो जाएगा, डी ओ जी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, है ना। उसके बाद एस ई एन एम आई एस आर आई कुछ नहीं है, फिर एच ए बी सी एन एल ओ टी कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड ए बी टी एक्स ए ये भी कुछ नहीं है, ये जी ओ ए टी ये क्या हो गया, गोट, गोट मीन्स बकरी, ये हो गया, है ना। तो अब हम जैसे कि एक क्रॉस में हमने टाइगर काऊ फ्रॉग डॉग और गोट ढूंढा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डॉग, डी ओ जी डॉग, उसके बाद जी ओ ए टी, ये हमारा एक क्रॉस में हमने 5 ढूंढा। अब हम क्या करेंगे, अप से डाउन में देखेंगे एनिमल्स में, तो अप से डाउन में देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट लाइन में एस सी एफ आई एस एच एफ जेड, तो क्या हो जाएगा, एफ आई एस एच, फिश, फिश मीन्स मछली, हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड लाइन में एच ओ आर एस ई, अरे ये तो हॉर्स हो गया, एच ओ आर एस ई, हॉर्स मीन्स घोड़ा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एम ओ डब्ल्यू ए एन बी जेड ए कुछ नहीं है, टी यू जी डी एम सी ए टी, अरे सी ए टी कैट मीन्स बिल्ली, है ना। अब यहाँ देखेंगे आई वी एन ओ आई एल बी एस कुछ नहीं है, उसके बाद जी एक्स जेड जी एस एल टी एल कुछ नहीं, ई क्यू टी के आर ओ एक्स एम ये भी कुछ नहीं है, आर ए बी बी आई टी रैपिड, रैपिड मीन्स खरगोश, ये हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एक अप से डाउन वाला लिख देंगे, सबसे पहले हमने अप से डाउन में फिश खोजा, एफ आई एस एच, फिश मीन्स मछली, दूसरा हॉर्स एच ओ आर एस ई, हॉर्स, हॉर्स मीन्स
दूसरा हमने क्या ढूंढा यहाँ पे सीएटी कैट है ना, सीएटी कैट मीन्स बिल्ली, उसके बाद रैबिट आर ए बी बी आई टी रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश। अब हम देखेंगे डाउन से अप में, यानी कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर भी क्रॉस में होता है, तिरछा भी होता है वो भी, तो हॉरिजॉन्टल भी होता है ये भी होता है। तो अभी हम क्या देखेंगे डाउन से अप, डाउन से अप में देखिए जी एक्स एच एस आई एफ सी ओ कुछ नहीं है, ओ वाई ए ई एस आर ओ एच ये भी कुछ नहीं बना, ए जेड बी एन ए ओ डब्ल्यू एम ये भी कुछ नहीं बना, टी ए सी ये एम डी ओ कुछ नहीं बना, एस बी एल आई ओ एन तो क्या हो जाएगा, एस बी को छोड़ देंगे एल आई ओ एन लायन, लायन मीन्स शेर है ना, ये बन गया लायन। अब हम यहाँ पे लायन लिख देंगे एल आई ओ एन लायन, लायन मीन्स शेर। ओके अब हमारा नेक्स्ट है देख लेते हैं एल टी एल एस जी जेड एक्स जी कुछ नहीं है, उसके बाद यहाँ देखेंगे एम एक्स ओ तो क्या हो जाएगा ओ एक्स तो ऑक्स ही हो जाएगा, पहले ही हमको देखना चाहिए था ये अप से डाउन में है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसे वाइप करते हैं, टेन नंबर है, इलेवन नंबर है ना, ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल। अब हम ट्वेल्व देखते हैं कितना वर्ड बनता है, उसके बाद यहाँ देखिए हम डाउन से अब में चल रहे हैं आर ए टी रैट, रैट मीन्स चूहा, तो ये हमारा बन गया। इसके बाद बना क्या आर ए टी आई बी बी आई ए आर, नहीं ना बना तो इसे छोड़ देते हैं। तो हमारा टोटल कितना हमने वर्ड सर्च किया एनिमल्स नेम, तो हमने कितना सर्च किया 12 है ना, 1 से लेके 12, टाइगर काउ फ्रॉग डॉग गोट फिश हॉर्स कैट रैबिट लायन ऑक्स एंड रैट, हमने इतने एनिमल्स नेम को इस ग्रीड में है ना, इट्स वर्ड पजल में क्या कहते हैं लेटर सर्च में हमने लेटर पजल में हमने सर्च किया। तो आप इसी तरीके से पहले एक क्रॉस में दिखेगा पढ़ पढ़ के, आपको लगता है कि एनिमल्स नेम बन रहे हैं तो आप बनाइए, सेम भी उतार सकते हैं लेकिन अपने दिमाग से कीजिएगा। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ समझा दिया बता दिया और आप ये जानते भी हैं करना, इसी तरीके से आप बनाइएगा, एक क्रॉस में देखिएगा फिर अप से डाउन में देखिएगा उसके बाद डाउन से अप में देखिएगा। ओके आप बस इसी तरीके से वर्ड सर्च करके इसी तरीके से जो वर्ड बनता है यानी कि एनिमल्स नेम बनते हैं या जो भी वर्ड बनता है आप इसी तरीके से गोल घेर दीजिएगा, समझिएगा कि वो स्पेलिंग कंप्लीट हो गया। और देखिए कुछ कुछ लेटर ऐसा है जैसे एच सी ओ डब्ल्यू में भी काऊ में भी ओ आ रहा है और हॉर्स में भी ओ आ रहा है, फ्रॉग में भी आर आ रहा है, हॉर्स में भी आर आ रहा है, तो कुछ एक लेटर जो होता है ना वो इस तरीके से जैसे लायन में एल आई ओ एन लायन में ओ आया, डॉग में भी ओ आया है ना, ये तरीका हो गया लिखने का, एफ आर ओ जी फ्रॉग हो गया, एच ओ आर एस हॉर्स हो गया है ना, टी आई जी या टाइगर हो गया, आर ए बी आई डब्ल्यू बी आई टी रैबिट हो गया। तो कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो एक ही लेटर दोनों वर्ड में आके उसे सर्कल कर देते हैं, तो आप उसे छोड़िएगा नहीं, कंप्लीट कीजिएगा जो भी स्पेलिंग है, इसी तरीके से लिखिएगा। और लिखने के बाद जब वर्ड सर्च में आप ग्रिड में आप जब वर्ड को फाइंड आउट कर लीजिएगा उसके बाद आप ऐसा काम मत कीजिएगा, आप नीचे लिखिएगा वर्ड सर्च बनाइएगा, एक लाइन में आपका आ जाएगा, दो लाइन में आपका हेडिंग आटेगा, यानी कि एक पेज आपका कंप्लीट। ओके इसी चीज़ में आपका एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसका नाम लिखने के लिए दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिएगा, नेक्स्ट पेज में नंबरिंग डालिएगा इसी तरीके से है ना, और नंबरिंग डाल के जो भी एनिमल्स आपने फाइंड आउट किए उसके बाद लिखिएगा। ओके टेन अट जाएगा, इलेवन ट्वेल्व बचेगा, आप यहीं पे इलेवन और ट्वेल्व नंबर डाल दीजिएगा। ओके उसके लिए पेज की बर्बादी नहीं कीजिएगा, उसी में डाल दीजिएगा, एक ही पेज में ट्वेल्व क्या कहते हैं जो भी हमने ग्रिड में एनिमल्स नेम सर्च किए उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये सभी बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा, ये आपका सी डब्ल्यू हो गया है ना, और आपका जो एच डब्ल्यू है यानी कि वो क्या है एच डब्ल्यू जो हमने कल वर्ड मीनिंग दिया था उसे आपको रिमेम्बर करना था। ओके तो सभी बच्चे वर्ड मीनिंग को रिमेम्बर कीजिएगा। ओके और रिमेम्बर जो मैंने लिखाया है तो कल आप सभी बच्चे लिखे थे, मैंने बोला था कि वर्ड लिख दिया है आप मीनिंग लिखिएगा, आप सभी बच्चे मीनिंग लिखे होंगे, तो मीनिंग लिखने के बाद आपने उसे याद किया होगा, और आज हमने उसे क्या किया कि आपको बोला कि आप मिला लीजिए बोर्ड पे से, और आपका जो होमवर्क है वो अगेन रिमेम्बर है, वही चीज़ अगेन रिमेम्बर रहेगा, नया मैं नहीं दूंगी, और उसी को अगेन रिमेम्बर कीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे को हो सकता है स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो
तो स्पेलिंग याद कर लेंगे। किन्हीं को याद, जिनको भी है तो अच्छी बात है, याद है तो आप उसे क्या कीजिएगा, अगेन रिविजन कर लीजिएगा। तो आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, रिमेंबर वर्ड मीनिंग फ्रॉम नोटबुक, जो कल हमने लिखाया था उसको आप अगेन रिमेंबर कीजिएगा, आपका ये होमवर्क है। और ये CW में बना लीजिएगा अच्छी हैंड राइटिंग में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हम जब क्लास को एंड कर रहे हैं, और क्लास को एंड करने का समय आप सभी बच्चे को पता है कि मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ, उसी तरीके से आज का गुड हैबिट टिप है कीपिंग योर विलेज सिटी क्लीन। तो आज का ये है, यूज टॉयलेट, डू नॉट एक्सक्रीट इन पब्लिक प्लेसेस। बोला है टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए पब्लिक प्लेसेस में, नहीं कहीं पे भी खड़े होके। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, बॉयज़ लोग, कि रोड के साइड में खड़े होके, है ना, क्या कहते हैं, शौचालय बना लेते हैं, मतलब वहीं पे शुरू हो जाते हैं, पेशाब वगैरह करने लगते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए टॉयलेट का इस्तेमाल कीजिए, घर से ही वॉशरूम से होके जाइए, या कभी इमरजेंसी पड़ जाती है तो ऐसे प्लेसेस में, वहाँ पे शौचालय होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। ओके, इधर उधर रोड के साइड में ही मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए, बहुत गंदी बात है, बहुत बैड हैबिट है। तो आपको क्या करना है, यूज़ टॉयलेट, डू नॉट एक्सक्रीट इन पब्लिक प्लेसेस, तो इसे हमेशा फॉलो करना है। छोटे हो या बड़े, सभी को ये बात बताइए। और आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।